CSS के ये चौथे वीडियो में है हम लोग। पहले वीडियो में हम लोग बात किए थे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, दूसरे वीडियो में हम लोग बात किए बैकग्राउंड से रिलेटेड, तीसरे वीडियो में हम लोग डायमेंशन देखे जो बहुत छोटा सा था। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा बॉर्डर और आउटलाइन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग ना इसके लिए चूज करते हैं एक नया फोल्डर, फ्रेश फोल्डर यूज करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस कर रहे हैं और एक नया फोल्डर बना रहे हैं CSS बॉर्डर, उसका प्रोजेक्ट का नाम ही रख लेते हैं, इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका, ओपन विथ कोड और उसके बाद आप इस कोड को यहाँ पे VS कोड में पहुंचा दिए। VS कोड में आ गया और उसके बाद हम लोग इस जगह पर एक सिंपल सा HTML फाइल बनाएंगे जो बहुत ही आसान है। HTML फाइल बनने के बाद हम लोग इसमें बेसिक HTML करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे और एंटर बटन दबाएंगे। इजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। और ये टाइटल को यहाँ पे CSS बॉर्डर एंड आउटलाइन कर देते हैं, एंड आउटलाइन सिंपल। तो बॉर्डर और आउटलाइन आज का टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखना है कि क्या कैसे काम करता है। तो देखो ये जो CSS पार्ट है वो आपको हेड में करना है, क्योंकि CSS के पार्ट का कोड आउटपुट में नहीं आता है, उसका डिजाइन आउटपुट आता है, यानी जिसमें जो लिखते हैं वो आता है। एक्चुअल में ना इसको लिखना होगा स्टाइल नाम के टैग पर। स्टाइल नाम का एक टैग होता है जो हेड सेक्शन में ही डाल सकते हैं, बॉडी में नहीं डाल सकते। इसके बाद आपका जो बॉडी वाला पार्ट है, इस जगह पे आप क्या करिएगा, एक्चुअल में दो बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, एक div दो div। अगर हम CSS यहाँ पे div का लिखेंगे div और उसके बाद लिखेंगे width जो कि हम लोग कल सीखा है, और उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 400 पिक्सल जो कल हम लोग सीखा, और बैकग्राउंड कलर लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा बताओ। यहाँ पर div को स्टाइल किया गया, अब ये थोड़ी है कि किस div को स्टाइल किया गया, दो div है, इसका मतलब दोनों के ऊपर ये सेम CSS अप्लाई हो जाएगा और गलती से ये दोनों डिजाइन एक ही डिजाइन दोनों के ऊपर लागू हो जाएगा, क्योंकि दोनों का नाम क्या है, डिव है। तो वो जब खोजेगा तो दोनों को अप्लाई कर देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे काम करता है। देखो मार्जिन लगाने के लिए लिखना होता है मार्जिन 20 पिक्सल, अभी लगाना जरूरी है इसलिए हम आपको दिखा देते हैं, बाद में सिखाएंगे कि मार्जिन लगता कैसे है नेक्स्ट वीडियो में। ये देखो मैंने तो सिर्फ एक बॉक्स का डिजाइन किया था, लेकिन चूंकि नाम सेम है तो यहाँ पे अगर कोई दो लड़के का नाम अंकित है तो हम अगर बुलाएंगे अंकित इधर आओ तो दोनों आ जाएगा, या दोनों कंफ्यूज हो जाएगा। तो कंप्यूटर केस में कंफ्यूजन नहीं होता है, दोनों का दोनों पे अप्लाई हो गया। क्या कोई तरीका है ऐसा जिसको हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं किसी एक को टारगेट करने के लिए? जवाब है हाँ, बहुत तरीका है। इसमें से एक तरीका ये है कि आप दोनों का ID नाम रख लीजिए। देखिए ID लगाइए, एट्रीब्यूट है, इसे कहते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट। ग्लोबल एट्रीब्यूट यानी कि जिसका जो एट्रीब्यूट है वो सभी टैग पे लग सकता है, चाहे वो डिव हो, बॉडी हो, HTML हो, टाइटल हो, कुछ भी हो, उसमें ID मेंशन कर सकते हैं, उसे कहते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट। तो ID क्या है, ग्लोबल एट्रीब्यूट है, यानी वो हर टैग में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ID डाला और डालने के बाद इसका नाम रखते हैं डब्बा, और नाम रख लेते हैं डब्बा 1, और इसकी तरह से नीचे वाला का नाम टारगेट करते हैं ID और डब्बा 2। अब दोनों को एक नाम दे दिया, अब दोनों डिव नहीं है, दो बच्चे एक दिन पैदा हुए, दोनों दोनों का दोनों ह्यूमन बींग के बच्चे हैं। तो दोनों को बच्चा बोलने से नहीं होगा, किसी को नाम देना पड़ेगा, वो नाम यूनिक होना चाहिए। यूनिक नहीं हुआ तो क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्शन होगा। तो ID में यूनिक नाम डालते हैं, यूनिक नाम हो गया ऊपर में डब्बा 1, दूसरा नंबर डब्बा 2। तो बेसिकली ये जो ID है इसको हम लोग CSS में टारगेट कर सकते हैं, कहाँ, सिलेक्टर की जगह पर। DIV जहाँ लिखे हैं वहां पे हम लोग हैश लगाएंगे, हैश के मायने होते हैं ID। अगर आप हैश से शुरू कर रहे हैं मतलब आप ID का नाम डालने वाले हो, अगर आप डॉट से शुरू कर रहे हो तो इसका मतलब क्लास का नाम डालने वाले हो, वो बाद में देखेंगे। पहले यहाँ देखो डब्बा 1 इस पे अप्लाई करेगा, सिर्फ पहला वाला पे। अगर हम दूसरा CSS करें हैश डब्बा 2, तो वो दूसरे वो को टारगेट करेगा, उसका भी हाइट अलग अलग रख लेते देखो मार्जिन 20 जो ऊपर दिया वही है, बस कलर अलग अलग। देखो अब दोनों बॉक्स के डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं, कब हो गया ये डिव लगाने से नहीं होगा, इसके लिए ID को मेंशन कर सकते हो। लेकिन ID के अलावा क्या तरीका है, तो एक और तरीका है, उसको बोलते हैं क्लास। तो क्लास एक क्लास दो टैग का हो सकता है, एक ID दो टैग का नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम बॉक्स 1 रख लेते हैं और इसको क्लास दूसरे क्लास का नाम रख लेते हैं बॉक्स 2। तो अब हम लोग जैसे ID को टारगेट किए थे हैश से, तो अगर बॉक्स को टारगेट करेंगे तो डॉट से, डॉट मतलब क्लास, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स 1, इजी।
और इसका नाम क्या होगा? ऑफ कोर्स बॉक्स टू, लेकिन डॉट लगाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो टैग का नाम नहीं है, वो क्लास का नाम है। तो क्लास के नाम की वजह से उसके आगे डॉट लगेगा, आईडी के आगे हैश लगेगा, बस दोनों में यही डिफरेंस है। अब हम लोग सीखेंगे आज कैसे बॉर्डर लगाते हैं। तो ये टॉपिक है बॉर्डर लगाने का। हम लोग यहाँ पे CSS डायमेंशन टॉपिक पढ़ चुके हैं, अब हमारी बारी CSS बॉर्डर समझने की। CSS बॉर्डर में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे बॉर्डर लगाना। बॉर्डर डैश विथ यानी बॉर्डर की चौड़ाई, बॉर्डर डैश विथ बॉर्डर की चौड़ाई कितनी डालनी है, मान लो 40 पिक्सल। फिर बॉर्डर डैश स्टाइल, बॉर्डर का डिजाइन, वो बहुत सारा होता है, जैसे डबल होता है, डॉटेड होता है, डैशेड होता है, ठीक है, और इसी तरीके से ग्रूव होता है, डबल अच्छा सॉलिड होता है, और डॉटेड डैशेड डबल ग्रूव। हाँ हो गया, ये सारे टाइप है, इसमें से कोई एक ही चूज कर सकते हो एक टाइम में। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं बॉर्डर का कलर क्या होगा, तो उसको बोलेंगे बॉर्डर कलर, और जो कलर का नाम दोगे वही कलर का बॉर्डर बनेगा। अगर तुम ये सब को एक साथ करना चाहते हो, यानी शॉर्टकट है तुम्हारे पास। और चौथे नंबर बता रहे हैं, बॉर्डर सिर्फ लिखो, यहाँ पहले वैल्यू में विथ बताओ, दूसरे में स्टाइल बताओ, और तीसरे में कलर बताओ, एक ही लाइन में तीनों काम हो जाएगा, शॉर्ट हैंड में हो गया। तो कैसे बताएंगे, देखो छोटी ब्रैकेट में एग्जाम्पल देख लो, 20 पिक्सल यानी विथ हो गया, सॉलिड यानी स्टाइल हो गया, और कलर यानी रेड हो गया, एक साथ बता सकते हो, हम करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो इस किसी एक साइड का बॉर्डर लगाना है तो क्या करेंगे, तो बॉर्डर डैश राइट लिखेंगे, ठीक है, लेफ्ट लिखेंगे अगर लेफ्ट साइड का चाहिए, तो टॉप लिखेंगे ऊपर का चाहिए, तो बॉटम लिखेंगे नीचे का चाहिए, तो यानी सबका सबको अलग अलग कर सकते हो। देखो सैंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा एक और बात बता देते हैं, जब हम लोग बॉर्डर डालते हैं तो हमारा डब्बे का साइज बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखिएगा। मैं पहले यहाँ से एक बॉक्स ही रखता हूँ, ठीक है, दूसरा बॉक्स को डिजाइन नहीं करते, यहाँ से एक ही बॉक्स रखते हैं। चलो अभी बताओ बॉक्स का साइज क्या होगा, 300 बाय 300। इस बॉक्स का साइज कितना है, 300 पिक्सल बाय 300 पिक्सल। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो भी पता चल जाएगा, कैसे, देखो जब तुम एलिमेंट के ऊपर कर्सर रखोगे तो तुमको यहाँ पर 300 बाय 300 नजर आएगा। तो ये जो जगह है 300 बाय 300, ये बता रहा है कि इसका जो विथ है वो 300 है और हाइट जो है 300 है, इसलिए स्क्वायर शेप में नजर आ रहा है। अगर हम इसे बॉर्डर परफॉर्म करेंगे यानी बॉर्डर डालेंगे, इसका विथ क्या होगा, बढ़ जाएगा। दिखाते कैसे बढ़ेगा, देखिए बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड येलो कलर। येलो कलर का क्या आ गया, बॉर्डर आ गया। कर्सर रख के देखो साइज कितना दिख रहा है, देखो कितना दिख रहा है, 319.2। 319.2 मतलब 320 मान लो, 320 कैसे हो गया ये, देखो इस साइड 10 पिक्सल का बॉर्डर लगा और इस साइड भी 10 पिक्सल का बॉर्डर लगा, तो दोनों मिला कितना हुआ, 20, और विथ कितना था 300, 320। ऊपर में टॉप में भी 10 लगा, नीचे बॉटम में भी 10 लगा, तो ये भी हो गया 320। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे हमारा बॉर्डर लगने से हमारा एरिया ऑफ विथ क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, बॉर्डर परफॉर्म करता है, एरिया ऑफ विथ को बढ़ा देता है। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर लगाना सीख लिए। अब बॉर्डर की जगह अगर आउटलाइन होता तो वहां पे फिर ये विथ नहीं बढ़ता, मतलब आउटलाइन सेम होता है, सब कुछ सेम होता है इसका। तो बॉर्डर बेसिकली बेसिकली हमारे विथ को क्या करता है, थोड़ा बढ़ाता है, जितना भी बॉर्डर तुम लगाओगे दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। किसी एक साइड का बॉर्डर लगाना है तो क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं, ये कलर थोड़ा चेंज करके इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये नजर आए ब्लैक, थोड़ा डार्क ही हो जाएगा, और जो 10 पिक्सल इसको बढ़ा के हम 50 पिक्सल कर देते हैं, और मोटा हो सकता है, जितना भी बॉर्डर चाहिए उतना मोटा कर सकते हैं। बॉर्डर की कई वेरिएंट है, हम सब दिखाते हैं आपको, देखिए ध्यान से। अगर मैं इसको ग्रीन कलर का कर दूं, तो ये देखिए ग्रीन कलर का, तो मैं जैसे यहाँ पे सॉलिड की जगह डॉटेड लिखूंगा, डॉटेड यानी डॉट डॉट के फॉर्म में, ठीक है, डैशेड लिखूंगा तो डैश के फॉर्म में, पूरा सॉलिड नहीं आएगा, ये थोड़ा पिक्सल बड़ा है, तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, अगर हम इसको छोटा कर देंगे तो ये बहुत पतला पतला दिखेगा, देखो, ठीक है, तो ये है तुम्हारा नॉर्मली 20 पिक्सल कर देते ठीक रहेगा। तो डॉट डैशेड डबल, देखो डबल का मतलब दो लाइन में आएगा, ठीक है, बॉर्डर आएगा दो लाइन में, ये डबल हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे ग्रूव लिखेंगे तो 3D इफेक्ट देगा, जैसे फ्रेम का इफेक्ट आता है वैसा, ठीक
लग रहा था फ्रेम देखने में, तो अगर इसका कटिंग है ना 3D चाहिए तो वो तुम्हारा एजेस अच्छा सा दिखाएगा। ग्रूव वैल्यू है, फॉन्ट बॉर्डर स्टाइल है ग्रूव, ठीक है। इसके बाद अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा जो विथ है उससे डब्बा का साइज ना बढ़े बॉर्डर में, तो तुम लगाओगे आउटलाइन। बस बॉर्डर की जगह, यहाँ जो बॉर्डर लिखा हुआ है इस जगह आउटलाइन लिखना है, दैट्स इट। और तुम्हारा डब्बा बॉक्स का साइज नहीं बढ़ेगा, दिखाते देखो, रिफ्रेश करके दिखा देते हैं, देखो बॉक्स का साइज जो है ना वो मेजर होगा। देखो बॉक्स का साइज मेजर हो रहा है 300 300, यानी अपना विथ को बढ़ा नहीं रहा है, बॉर्डर की तरह नहीं बढ़ा रहा है। तो बॉर्डर में क्या होता है, विथ बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे क्या लगाया, आउटलाइन लगाया। तो सीएसएस में यहाँ पर जहाँ पे हम लोग थ्योरी लिख रहे थे, यहाँ पे देखो हम लोग इस सारा चीज को सेम सेम कर सकते हैं, किसके साथ, आउटलाइन के साथ। मैं यहाँ पे सीएसएस आउटलाइन लिखूंगा और जितना कुछ लिखे थे वो सब सेम रहेगा, बस इसमें चेंज क्या होगा, जहाँ बॉर्डर है वहां आउटलाइन, बाकी सब सेम। आउटलाइन आउटलाइन आउटलाइन, ये भी आउटलाइन। तो ये सब कुछ सेम है बॉर्डर की तरह, सिर्फ बॉर्डर कीवर्ड की जगह आउटलाइन कीवर्ड लगाइए, उससे विथ नहीं बढ़ता है और बॉर्डर से बाय डिफॉल्ट विथ इंक्रीज होता है, बढ़ता है, क्योंकि वो आउटसाइड में बॉर्डर लगता है, बॉक्स के आउटसाइड में, इसलिए विथ बढ़ता है। और आउटलाइन इनसाइड में लगता है, इसलिए वो साइज में नहीं बढ़ता है। बेसिक बेसिक बात यही है। अब आगे देखते हैं बॉर्डर रेडियस, इसमें 5 नंबर लिखे देना, इसमें छठा नंबर ऐड कर देना, बॉर्डर साइड में, आउटलाइन में नहीं। आउटलाइन डैश बॉर्डर डैश रेडियस, रेडियस मतलब बॉर्डर को कम करना, ठीक है, बॉर्डर को कम करना, जैसे 30 पिक्सल एग्जाम्पल के तौर पर। मैं कोड दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर मैंने लिखा बॉर्डर वापस लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो रेडियस क्या काम करता है, बॉर्डर डैश रेडियस, अगर मैं यहाँ पे 20 पिक्सल लिख दूँ तो क्या होने वाला, देखो आउटपुट, देखो क्या हुआ, कॉर्नर हल्का सा कर्व हो गया, हुआ रेडियस मतलब रिडक्शन आया उसमें, कमी आई। अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, इसको बढ़ाएंगे पिक्सल तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऐसा आएगा कि तुम सर्कुलर फॉर्म कर जाओगे। देखो एग्जांपल कैसे है, इसको 50% दे दो, कितना 50%, ये सर्कुलर बन जाएगा, बॉर्डर क्या बन गया, सर्कल बन गया। अब शेप जो है वो सर्कल में आ रहा है, तो ये बेसिकली हमारा बॉर्डर रेडियस से पॉसिबल है। कम करना है कम परसेंटेज दो, ज्यादा करना है ज्यादा, 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके पीछे का मैथमेटिक्स यही है कि अगर हम लोग है ना रिड्यूस करेंगे तो 50% रिड्यूस हो सकता है, आधा यहाँ से लेगो आधा यहाँ से लो, ऐसे करके रिड्यूस करो, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि 50% होगा मैथमेटिक्स के हिसाब से, रेडियस हो सकता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो हम लोग नहीं देंगे वैल्यू, देंगे अभी तो काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100 पिक्सल दे देंगे, 100% दे देंगे, तो उसका मतलब 50 ही होता है, देखो 50 ही काम करेगा, तो आप 50% दीजिए, काम खत्म हो गया। बॉर्डर में ब्लैक कलर हम दिया ही नहीं है, ग्रीन है, डार्क ग्रीन कलर, ये जो डार्क ग्रीन है ये लाइट ग्रीन, तो वो 3D इफेक्ट देने के लिए दो कलर शेडी कलर आता है, तो वो हम लोग ग्रुप से आया ग्रुप, अगर हम इसमें सॉलिड लगाते तो नहीं आता, नॉर्मल कलर आया, नॉर्मल कलर आया। तो ये है हमारा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस लगाने के लिए बॉर्डर होना जरूरी नहीं है, तुम बिना बॉर्डर के बॉर्डर रेडियस लगा सकते हो, बॉर्डर रेडियस। और ये देखो 50%, बॉर्डर नहीं लगा तो भी काम करेगा, बॉर्डर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है मामला यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का। अच्छा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम बॉर्डर लगाए और तुम्हारा मन किया कि बॉर्डर में ही हमको एक्स्ट्रा विथ में बढ़ाना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम बॉर्डर लगाए और आउटलाइन वाला फीचर चाहिए तुमको, तो तुमको सीएसएस में एक पॉइंट और बढ़ाना होगा, वो ये है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये एक प्रॉपर्टी है जिसको लगाने के बाद क्या होगा कि जो जो बॉक्स का साइज है उसी में बॉर्डर आएगा, बॉक्स साइज से बाहर नहीं आएगा। तो देखो बॉर्डर लगाने के बाद भी 300 बाय 300, यानी आउटलाइन वाला जो पावर है वो आप यहाँ यूज कर सकते हैं, बट आपको बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो ऐसा करना तो आपको क्या करना होगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स लगाना पड़ेगा, बस इसके बाद क्या होगा आपका उसी विथ के अंदर में ही बॉर्डर ऐड हो जाएगा जो आउटलाइन में ऐड होता है एज इट इज। ये टॉपिक है बॉर्डर और आउटलाइन से रिलेटेड, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा कोई एक साइड पे कैसे करते हैं वो भी बता देते हैं, वो थोड़ा सा दिमाग सुधर गया। मैं एक साइड पे करना चाहता हूँ तो बॉर्डर डैश राइट, जहाँ बॉर्डर लिखते हैं उसका मतलब सारा साइड, बॉर्डर डैश राइट मतलब सिर्फ राइट साइड, नोटिस करो सिर्फ राइट साइड आ रहा है, ये सर्कुलर फॉर्म हुआ हुआ है इसलिए ऐसा दिख रहा है, इसको रेडियस हटा देते हैं। अब देखो बॉर्डर किधर है, सिर्फ राइट साइड है, बाकी किसी साइड में नहीं है। तुम अगर टॉप लिख दोगे तो टॉप भी चला जाएगा, देखो
टॉप बॉटम लिखो तो बॉटम भी आ जाएगा और राइट लिखो तो राइट आ जाएगा। अब चारों का डिजाइन अलग अलग भी कर सकते हो, दिखाते देखो। इसको डबल कर देते हैं, इसको डॉटेड कर देते हैं, इसको ग्रुप कर देते हैं, मतलब तुम अलग अलग डैश ऐड कर दो। और कलर को ग्रीन की जगह येलो कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं और ब्लैक कर देते हैं। तो ये देखो कॉम्बिनेशन, एक का स्टाइल नहीं आ रहा, लेफ्ट राइट साइड। अच्छा राइट दो बार हो गया, इसको लेफ्ट कर दो, गलती से राइट दो बार हो गया। देखो अब चारों डायरेक्शन का अलग अलग बॉर्डर हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है आराम से, तुम अलग अलग प्रॉपर्टी पे डाल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखेंगे हम लोग इसमें मार्जिन और स्पेसिंग। तब तक ले बाय।